प्रयागराज जिले के अंतर्गत आने वाले करछना ब्लॉक में आज ब्लॉक प्रमुख का मतदान जारी है। सुबह करीब 11 बजे से मतदान चालू हुआ। भारी संख्या में फोर्स मौके पर तैनात है। समाजवादी पार्टी से सरोज देवी पत्नी कमलेश दुबे और बीजेपी से सावित्री देवी के बीच चुनाव की लड़ाई लड़ी जा रही है। सपा कार्यकर्ताओं ने बताया कि इस चुनाव में हमारी भारी मतों से जीत होगी और सपा के प्रत्याशी भारी मतों से विजयी होंगे। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, प्रशासन की तरफ से एकदम सही है, कुछ कोई दिक्कत नहीं। आपका परिचय? काशी विश्वकर्मा कचहरी क्षेत्र का दुरुपयोग किया जा रहा है, जो देखा जा रहा है। दूसरी छोर पर जो भाजपा के प्रत्याशी के साथ जो समर्थक हैं वो पूरी तरीके से बैरिकेटिंग के पास जुटे हैं, और सपा की तरफ देखा जा रहा है कि पूरी तरीके से दूर लोग हैं। क्या स्थिति है? क्या स्थिति? बहुत बढ़िया है, हम लोग शांति से वोट डलवा रहे हैं। उधर जो है वोटर है नहीं, सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनके पास वोटर है नहीं। हमारा 55 वोट पड़ चुका है, मेरा 90 के 95 टारगेट है, इसलिए वो लोग वहाँ डटे हैं। लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बहुत शांति से अपना वोट डलाएंगे। हम सत्ता का दुरुपयोग जो हो रहा है वो करे अपना, लेकिन हम लोग उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। प्रशासन अगर प्रशासन कुछ नहीं करेगी, प्रशासन न कर पाएगी, क्योंकि हम इतने भारी मतों से चुनाव जीत रहे हैं। एक भी जो है वोट उनके पास नहीं है, 18-20 वोट है उनके पास, तो कितना बेईमानी करा लेंगे। समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से इस जगह जीतेगी। हम लोग अभी आप इधर देखिएगा 90-95 की संख्या में पूर्ण बहुमत के साथ हम लोग यहाँ ब्लॉक प्रमुख बनाएंगे। यहाँ ब्लॉक प्रमुख बनेंगे समाजवादी पार्टी की जो है। सरोज, आपका परिचय? मैं ओपी सिंह पटेल, करछना हिंदूपुर जबलगंज बाजार मांगे।